स्टूडेंट्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 26 नंबर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी प्लस फोर सी स्क्वायर। देखिए चार टर्म है, इसको दो टर्म में तोड़ना है, इसे बनाए कैसे। तो दोनों में तो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला पर टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरह से कर रहे हैं ए स्क्वायर, ये सजा हुआ नहीं सजाएंगे पहले ए स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस फोर ए सी प्लस फोर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से अगर फॉर्मूला हमको नजर आ रहा, कौन सा फॉर्मूला देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस। चलिए आप देखिए खुद से, आप देख लीजिए हम सही किए कि नहीं किए, पहले डिस अरेंज अरेंज कर देंगे। आप देखिए ए स्क्वायर माइनस फोर एसी प्लस फोर सी स्क्वायर, देखिए ए किसका स्क्वायर है, ए का, फोर किसका स्क्वायर है, टू का, और ए सी जब जहां भी ए और बी का जहां पे मल्टीपल नजर आया वही क्या रहेगा, वहीं पे टू ए बी का मल्टीपल छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए छिपा हुआ है कि नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में ए भी रहेगा तो पता चल जाएगा कि माइनस में होगा, तो माइनस टू ए, ए के जगह क्या ए लिए थे और बी के जगह हमने क्या लिया टू सी। अब देखिए कैलकुलेशन करिए, देखो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अब माइनस टू में टू ए सी से मल्टीप्लाई तो माइनस फोर ए सी प्लस टू का स्क्वायर फोर और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, टूट गया कि नहीं टूटा। तो देखिए यहां से अगर कौन फॉर्म टूटेगा, माइनस में टू अभी तो पता चलेगा क्या कि ए माइनस बी का हल्स का टूटेगा, ये प्लस में अगर टू रहता तो ए प्लस बी का तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस टू ए भी है ना, तो ये ए माइनस बी का हल्स का टूटेगा, तो ए के यहाँ पे ए ही है माइनस बी के यहाँ पे क्या है टू सी, तो ए माइनस टू सी का हल्स का प्लस माइनस है बी स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे टर्म को क्या पढ़ लीजिए, ए पढ़ लीजिए, अब ये पूरा टर्म बी, यानी जो पूरा चैप्टर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बनने वाला, ठीक। तो देखिए ये पूरे को ए पढ़े और ये पूरे को बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो ए के यहाँ पे ए माइनस टू सी पूरा है तो ए माइनस टू सी प्लस बी के यहाँ पे बी है, फिर ए माइनस बी, तो ए के यहाँ पे क्या है ए माइनस टू सी प्लस, और थोड़े प्लस हो गया माइनस बी, तो बी के यहाँ पे क्या है माइनस बी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन बहुत ही हल्का मैथ है, ठीक है, सारा पूरा चैप्टर ही बहुत हल्का, बस आपको दिमाग लगाते जाना है। अब देखिए यहाँ भी उसी तरह का आ गया, नाइन माइनस ए स्क्वायर, यहाँ देखिए सोचिए एक ए स्क्वायर, ठीक है, कभी कैसा फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस में आता है, नहीं आता, प्लस टू ए भी आता है लेकिन ये भी नहीं पढ़े कि बी स्क्वायर ए माइनस में आता है, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। चलिए देखिए नाइन माइनस कॉमन लिए इस पूरे में से, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब गौर कीजिए ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर, यानी ए प्लस में बी भी प्लस में, अब टू ए बी माइनस में प्लस में भी रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर पढ़े हैं हम लोग, और नाइन किसका स्क्वायर है भाई थ्री का, तो थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस। अब देखिए क्या ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, अब इस पूरे टर्म को क्या करिए ए मान लीजिए और इस पूरे टर्म को बी मान लीजिए, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला ए प्लस बी, तो ए के यहाँ पे क्या है थ्री है प्लस बी के यहाँ पे ए माइनस बी है, फिर ए माइनस बी, तो थ्री के जहाँ ए के यहाँ पे थ्री है माइनस है ना माइनस बी, तो बी के यहाँ पे तो ए माइनस बी पहले से है, अब माइनस अंदर गुना होगा, जब माइनस अंदर क्वेश्चन जब भी रहेगा तो ब्रैकेट दे के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे हो गया थ्री माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, तो ये आपका 27 कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।